हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश बोलते या लिखते वक्त एक चीज़ जो हमें बहुत परेशान करती है वो है लंबे सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, ये दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि वो जो लंबा सेंटेंस है, हो सकता है उसमें उसको दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया गया होगा या दो क्लॉजेस को जोड़ के बनाया गया होगा। हो सकता है उसमें पहला सेंटेंस या पहला क्लॉज एक टेंस का हो और दूसरा सेंटेंस या दूसरा क्लॉज किसी दूसरे टेंस का हो। यहीं पर दिक्कत होती है। अच्छा, बीच में आपको एक कंजंक्शन भी डालना पड़ेगा, तभी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं या दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। कई बार वो कंजंक्शन हमारी समझ में नहीं आते। अच्छा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि पहला सेंटेंस या क्लॉज अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो और दूसरा सेंटेंस या क्लॉज वो अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव का हो। मान लेते हैं पहला इंट्रोगेटिव दूसरा अफर्मेटिव है तो भी दिक्कत हो सकती है, पहला अफर्मेटिव है दूसरा इंट्रोगेटिव है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे। आज की क्लास का नाम है दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉजेज, कि दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों आज हम कर रहे हैं, ये जो वीडियोस हैं ये सीरीज़ वन का वीडियो थ्री है। इसके पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं। तो सीरीज़ वन का मतलब ये है दोस्तों कि हम प्रेजेंट टेंस के साथ, सिंपल प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ दूसरे टेंसेस को कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहले में हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे जोड़ सकते हैं। दूसरे में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनेट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे जोड़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, तीनों नाम से आप इसको बुला सकते हैं, प्लस प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे कैसे कंबाइन करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है लॉन्ग सेंटेंसेस सीखने के लिए, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, हम आते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। आपको पता ही है कि हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, तो हमको वो स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, दोनों ही टेंसेस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V1 का मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। V5 का मतलब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ये प्लस इसलिए है कि हम दूसरे क्लॉज को या दूसरे सेंटेंस को जोड़ सकें। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस का के स्ट्रक्चर है दोनों के। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, डू और डज और डिड के भी बात, डिड पास्ट टेंस में आता है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ अलग से। किसी भी सेंटेंस में आपको डू या डज या डिड दिखाई पड़े तो उसके साथ हमेशा V1 का ही इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। ये हम अगर याद रख लें तो बहुत गलतियों को करने से हम बच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस V3 जिसका मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, आप शॉर्ट फॉर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ डू नॉट का बन जाएगा डोंट और डज नॉट का बन जाएगा डजंट, वो आप जानते ही हैं। और हैव नॉट का बनता है हैवंट और हैज नॉट का बनता है हैजंट। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊँगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर सीखने हैं कि हर ग्रामर में हर टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सीखें। उसमें मैंने सारे टेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और हर टेंस के वीडियो में मैंने हर टेंस का स्ट्रक्चर भी बताया है। आपको वो अगर वीडियोस आप देख लें तो आपको टेंस सही तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि टेंस को असल में सीखना कैसे चाहिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, इनके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको कैसे असल में पढ़ना चाहिए। वो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन, उच्चारण सीखें, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पर। अच्छा, दो जब भी मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को हम जोड़ेंगे तो हमको बीच में एक कंजंक्शन रखना चाहिए जिसकी मदद से हम जोड़ सकें, लेकिन कई बार कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं भी होता, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो कोई कह रहा है आई फील दैट यू हैव हर्ट हिम, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसको दुख पहुंचाया है। अब दोस्तों आई फील, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ये रहा सब्जेक्ट, आई फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फील का मतलब है महसूस होना या महसूस करना और उसकी फर्स्ट फॉर्म फील ही होती है। तो आई फील, इतना ही हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। उसके बाद दोस्तों दैट, ये जो दैट है ये कंजंक्शन है, यहाँ इसका मीनिंग है हिंदी में की, मुझे ऐसा महसूस होता है कि। उसके बाद दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है यू हैव हर्ट हिम, तो दोस्तों यू सब्जेक्ट है, उसके बाद है हैव और हर्ट का थर्ड फॉर्म हर्ट ही होता है।
हर्ट की पांचों फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। हर्ट का मतलब है किसी को दुख पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना, शारीरिक रूप से मारना भी इसका मीनिंग होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है। तो हर्ट के पांचों रूप हैं हर्ट, 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 हर्टिंग, हर्ट्स, यानी पहले तीनों रूप हर्ट के सेम होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा यहाँ पर हर्ट का थर्ड फॉर्म, आई फील दैट यू हैव हर्ट हिम, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमने उसको तकलीफ पहुँचाई है। अब दोस्तों ये एक लंबा सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेज या दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने एक साथ जोड़ा है दैट की मदद से, कंजंक्शन की मदद से। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं दो अलग अलग टेंसेस को मिला के। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, शी नोज, उसे पता है, वो जानती है, हाउ कि कैसे, वो जानती है कि कैसे या उसे पता है कि कैसे, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प हर, उसको वो जानती है इस बात को कि कैसे मैंने हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सेंटेंस है। अब ये अगर हिंदी में हमारे सामने आ जाए, मैं अगर एक लर्नर हूँ, मैं इंग्लिश अभी सीख ही रहा हूँ, मैंने स्टार्ट ही किया है, और मेरे सामने ये सेंटेंस आ जाए, वो जानती है कि मैंने कैसे हमेशा उसकी मदद की, हो सकता है मेरे हाथ पांव फूल जाए कि यार मैं कैसे बोलूँगा मैं। लेकिन अगर हमको कंबाइनिंग आती हो तो हम किसी भी कितना भी लंबा सेंटेंस, चाहे उसमें 10 क्लॉजेज हो, 10 क्लॉजेज अगर हर क्लॉज का टेंस मुझे आता है पहले से और मुझे कंजंक्शंस मालूम है, तो मैं कितना भी लंबा सेंटेंस क्लॉजेज को जोड़ जोड़ के या सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के बना सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। खास करके एग्जाम में जो आप इंग्लिश में आंसर लिखते हैं वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस मेकिंग नहीं आती, सीधी सी बात है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, अब इंग्लिश में लिखना है एग्जाम में, हमको कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो उसका आंसर यही है कि आपको हर टेंस को सीखना पड़ेगा, जितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हो आपको सीखने चाहिए। मेरे चैनल पर एक और भी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाना सीखें। उसमें मैंने टेंस के अलावा बहुत सारे तमाम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बताए। कुछ तो ऐसे सेंटेंसेस जो टेंस में कवर भी नहीं होते, तो वो उसमें जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको तरह तरह के सेंटेंसेस बनाने के बारे में पता चल जाएगा कि, और वो सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कैसे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमको सिर्फ क्या पता रहना चाहिए, टेंस का स्ट्रक्चर, और हमको कंजंक्शन पता रहना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, कोई कह रहा है आई डो नॉट नो, अच्छा इसमें आपने देखा इसमें हाउ है कंजंक्शन, शी नोज हाउ, वो जानती है कि कैसे, तो हाउ कंजंक्शन है, शी नोज, शी सब्जेक्ट है, नोज, नो का फिफ्थ फॉर्म है, नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज, ये पांचों रूप है नो के, तो नोज फिफ्थ फॉर्म है, शी नोज, हाउ कंजंक्शन है, एंड आई हैव ऑलवेज, ऑलवेज एक एडवर्ब है जो मेन वर्ब के पहले लगता है। इस पर भी मैं आपको एक क्लास दूंगा बहुत जल्दी कि एडवर्ब की प्लेसमेंट सेंटेंस में कहां पर होती है। वो वीडियो कई दिन से मैं बनाने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी दूंगा आपको। तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड, ट्राइड इसे मेन वर्ब है, ऑलवेज एक एडवर्ब है, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब लगाना चाहिए। टू हेल्प, टू हेल्प इसमें इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल हुआ है और हर इसमें ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली इंग्लिश कब हमको ठीक से अच्छी तरह से समझ में आती है, जब किसी सेंटेंस में हर वर्ड जो लिखा हुआ है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जिस दिन आप ये बात समझने लग जाएंगे उस दिन आप इंग्लिश को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, ऐसे होता है। जब एक बार सीख लेते हैं हम ठीक से, तो आप इंग्लिश को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। एक ही बात को आप 5-5, 6-6 तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा एक दिन, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, तो आपने देखा ये सेंटेंस, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, ये दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इसके बाद कंजंक्शन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कंजंक्शन नहीं है, सीधे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। कोई कह रहा है आई डू नॉट नो हु हैज़ स्टोलन द मनी, मुझे नहीं पता कि पैसे किसने चुराए हैं। कोई कह रहा है मुझे नहीं मालूम पैसे किसने चुराए, भाई सबको चेक करो, पता करो। तो आई डू नॉट नो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हु हैज़ स्टोलन द मनी में जो सब्जेक्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्लॉज है या सेंटेंस है, इसमें हु सब्जेक्ट है। हु नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है हमेशा, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है यानी कि सब्जेक्ट होता है। इसका जो अक्यूजेटिव फॉर्म है यानी जब ऑब्जेक्ट होता है तो होता है whom, और जो पजेसिव फॉर्म है इसका वो है whose यानी किसका, who, whom, whose, इस या who, whose, whom, इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं। तो इसमें who सब्जेक्ट है, who ही की जगह पर आया है इसीलिए उसके साथ has लगा है। stolen, steal का मतलब होता है चुराना, उसका थर्ड फॉर्म है stolen, money इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आई डोंट नो हु हैज स्टोलन द मनी। अच्छा दोस्तों इसमें कंजंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर फिर एक बात ये सीखने वाली है कि जब भी आप दो क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो अगर दूसरा क्लॉज किसी भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, WH वर्ड्स आप जानते होंगे, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई,
इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड से दूसरा क्लॉज अगर स्टार्ट हो रहा हो तो बीच में जनरली कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ रेयर केसेस में देखना पड़ेगा कि कुछ कोई कंजंक्शन लग सकता है कि नहीं, बट 99.9% केसेस में कंजंक्शन नहीं लगता। इंग्लिश ग्रामर की एक ये भी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, जो भी आप इसको कह लें, कि हर चीज़ रूल से नहीं चलती और लगभग हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। उसको हमको स्वीकार करते हुए इंग्लिश को सीखना पड़ेगा और वैसे उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है दूसरा क्लॉज, तो यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद है दोस्तों अगला एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता। अब इसमें क्या है, ही डज नॉट नो, उसको नहीं मालूम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, डज नॉट नो, नो का मतलब है जानना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही डज नॉट नो व्हिच शर्ट आई हैव बॉट, उसको नहीं पता कि मैंने कौन सी शर्ट खरीदी है। कुछ फ्रेंड्स आपस में हंसी मजाक करें, अरे मैंने उसको नहीं बताया मैंने कौन सी शर्ट खरीदी है, बाद में बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है सीन। तो उसको नहीं पता, ही डज नॉट नो व्हिच शर्ट, अब ये फिर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये क्लॉज, इसीलिए बीच में कंजंक्शन नहीं है। सो ही डज नॉट नो व्हिच शर्ट आई हैव बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया। अच्छा दोस्तों जो लास्ट एग्जाम्पल है इसको मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब कोई किसी से पूछ रहा है, डू यू नो हु हैज ब्रोकन द चेयर, क्या आपको पता है कि कुर्सी किसने तोड़ी है। मान लेते हैं कुर्सी किसी ने तोड़ दी, अब कोई पूछ रहा है क्या तुम जानते हो कि कुर्सी किसने तोड़ी। अक्सर स्कूल में ऐसा होता है जब बच्चे शरारत करते हैं, तो डू यू नो, क्या आपको पता है, हु हैज ब्रोकन द चेयर। अब दोस्तों इसमें डू यू नो ये इंट्रोगेटिव है। अगर आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सीखना है तो जैसा मैं आपको बता रहा था मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर सीखे, उसमें जाके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अगर इंट्रोगेटिव के क्लॉजेज हैं या सेंटेंस, उनको भी आप जोड़ सकते हैं आपस में। सो डू यू नो, क्या आपको पता है, हु हैज ब्रोकन द चेयर, ये भी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें भी बीच में कंजंक्शन नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से आप असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबको आप दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, अगली क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सिंपल पास्ट, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सीरीज एक लंबी चलने वाली सीरीज है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टेंसेस खत्म हो जाएंगे तब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस मोडल वर्ब्स, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस जेरंड या इन्फिनिटिव विद टू, या कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से हर वीडियो को देखना है जिससे कि आप लंबे सेंटेंसेस बना सकें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और इसकी मदद से आप लंबे सेंटेंसेस बोलने में आपको आसानी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी सेंटेंस आपको परेशान कर रहा है कि सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो बहुत आसानी से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।